रीवा जिले में सत्ताधारी भाजपा के क्रियाकलापों का विराट 24 न्यूज के द्वारा समय समय पर खुलासा किया जाता रहा है। इनके कुछ ऐसे मुख्य क्रियाकलाप थे जिनकी वजह से जनता ने भाजपा से मुंह मोड़ा और कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। अगर हम बात करें रीवा में भाजपा से नाराजगी के कारणों की, तो मुख्य रूप से चौराहटा से रतहरा तक बन रही सड़क है, जिसे विगत 20 वर्षों से दुधारू गाय के रूप में दुआ जाता रहा है। उड़ती धूल, गड्ढों में तब्दील सड़कों का दंश शहरवासी भूल नहीं पाए और अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया। इसकी दूसरी मुख्य वजह बनी शहर की बेशकीमती जमीनें, जिन्हें समदड़िया बिल्डर को कौड़ियों के भाव में देकर बिल्डर के साथ साथ नेताओं ने भी अपनी तिजोरी भरी। वही तीसरी वजह रही रिंग रोड, जिसमें स्थानीय नेताओं ने अपने लाभ के लिए गरीबों के जहां घरौंदों को उजाड़ा, तो वहीं सभी नियम कायदों को दरकिनार रखते हुए अपने लाभ के लिए इसका निर्माण कार्य भी शुरू करवाया। चौथी वजह रही जहां विगत 25 वर्षों से भाजपा के महापौर होने के बावजूद शहर में 104 गंदी बस्तियां, सड़क, पानी और बिजली की समस्या से जूझते शहरवासी और सत्ता के मद में डूबे सत्ताधारी नेताओं का व्यवहार। पांचवी वजह के स्पॉन कंपनी के द्वारा शहर की सड़कों को गड्ढों में तब्दील करना। इसके साथ ही फ्लाईओवर स्कैम, राजनिवास रेप कांड में भाजपा से जुड़े लोगों का नाम शामिल होना और कोरोना काल में ऑक्सीजन स्कैम जैसे मुद्दे, जिन्हें हमारे द्वारा प्राथमिकता से समय समय पर उठाया गया और जनता की राय ली गई, तो जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया और हुआ भी वही। रीवा नगर निगम की जनता ने नगर निगम के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। नगर निगम के महापौर कांग्रेस का जीतने के बाद राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं, जहां भाजपा अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हर हाल में नगर निगम परिषद में बहुमत और स्पीकर अपना बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि विधायक राजेंद्र शुक्ला बीते कई दिनों से हर निर्दलीय पार्षद से स्वयं संपर्क कर रहे हैं, उनके घरों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। नतीजा, भाजपा में 6 निर्दलीय पार्षद पार्टी की सदस्यता लेकर शामिल हो गए, जबकि 4 अभी भी लाइन में बताए जाते हैं, जबकि कांग्रेस जीत की खुशी मनाने में व्यस्त थी और ये समझ ही नहीं पाई कि भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल शांत रहने वाले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस ने भी 1 निर्दलीय पार्षद को पार्टी में शामिल किया है। दोनों ही दलों ने ऐसे पार्षदों को पार्टी में शामिल किया है जिन्हें कुछ दिन पहले ही बागी मानकर पार्टी की सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इसके साथ ही दावा भी किया गया था कि अब इनकी वापसी नहीं होगी। नगर निगम परिषद में बहुमत किसी भी दल का ना होने की वजह से अब पूरा दारोमदार निर्दलीय पार्षदों पर टिका है। महापौर भाजपा का नहीं बन पाने को लेकर विधायक राजेंद्र शुक्ल के साथ जोड़ा जा रहा था। कहा जा रहा था कि उनके प्रति लोगों का आक्रोश है और यही कारण है कि अब उन्होंने निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। पार्टी कार्यालय में पुराने बागी वार्ड 5 के पार्षद संजय सिंह संजू, वार्ड 22 से पार्षद पूजा सिंह और उनके पति प्रमोद सिंह, वार्ड 1 की बात करें तो वहां के पार्षद शिवराज रावत और उनके पति सीएल रावत, वार्ड 40 से पार्षद नीलू कटारिया और उनके पति अशोक कटारिया, वहीं वार्ड 43 की पार्षद शांति कुशवाहा और उनके पति सुभाष कुशवाहा को भाजपा कार्यालय में सदस्यता दिलाई गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी निर्दलीय पार्षद सोफिया बानो और उनके पति शहफूज खान को और गुलाम मोहम्मद को सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि बीते 25 जून को इन्हें ही 6 वर्ष के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। शहर के होटल लैंडमार्क में कांग्रेस के स्वागत समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अब सदस्यता इन्हें दिला दी है। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर बाबा के साथ कई वरिष्ठ नेता कांग्रेसी जश्न में डूबे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने बड़ा प्रहार करते हुए अजय मिश्रा बाबा की मुश्किलें बढ़ा दी है। माना यह भी जा रहा है कि 2 साल बाद भाजपा विश्वास प्रस्ताव लाएगी और 5 साल का कार्यकाल चलाना बाबा के लिए मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक सूत्रों की माने तो निर्दलीय अन्य 4 पार्षद भी हैं जो कि भाजपा में शामिल होने की कतार में खड़े हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां उन्हें अपनी तरफ मिलाने की जोड़ जुगाड़ में लगी हुई हैं।
अब देखना यह है कि कौन सफल होता है। आपको बता दें कि नगर निगम में महापौर और MIC चाहे भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन परिषद में बहुमत भाजपा की होगी। पार्टी के पहले से ही 18 पार्षद जीते हुए हैं। बहुमत के लिए 5 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जरूरी था, जिसके बदले अभी 6 जुटा लिए गए हैं और अन्य के समर्थन देने की भी संभावना जताई जा रही है। भाजपा की ओर से स्पीकर पद के लिए वेंकटेश पांडे को प्रमुख दावेदारों में बताया जा रहा है। अगर कुल मिलाकर ये कहें कि कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित पार्षद अजय मिश्रा बाबा की महापौर की कुर्सी कांटों भरी होगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, खासकर नगर निगम महापौर का, कांग्रेस को जीत मिली और भाजपा को हार। जो भाजपा को हार मिली, माना जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन मिश्रा की हार हुई। अक्सर जो हम लोग मुद्दा उठाते रहे हैं, चाहे वो चुनाहटा से रतैरा रही हो, रिंग रोड रही हो, टोल टैक्स रहे हों, और जो भी के स्पान करा हो, क्या मानते हैं कि इन पर जनता ने सील लगा दिया, पक्का कर दिया? आप क्या किस नज़र से देखते हैं? लेकिन निश्चित तौर से आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला रीवा वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। विकास के मुद्दे पर जनता ने आज 20 साल से उनको एक जनादेश दिया। उन्होंने जनादेश का एक मजाक उड़ाया, जिससे आहत होकर जनता ने एक परिणाम निश्चित तौर से उनको एक संकेत दे दिया है कि जनता जब निर्णय लेती है तो इस प्रकार जनादेश देती है। जो कांग्रेस के एक प्रत्याशी को, अजय मिश्र बाबा जी को, जनादेश के रूप में उन्होंने दी। 8 विधायक वर्तमान में है, 1 सांसद है। इसके बावजूद जो जनता ने जनादेश दिया है, पूरी ताकत झोंक देने के बाद ये मैसेज जनता ने दे दिया है कि विकास के नाम पर जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, रीवा से चौराहटा मार्ग को ले लीजिए, जैसा कि आपने कहा कि जितनी भी समस्याएं सामने आई, आप ढकोसला है अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, वही काम को कई बार करने के लिए। आज हर मोहल्ले हर गली में आप चले जाइए, रोड खुदी हुई पड़ी हुई है। रीवा शहर के लगभग सभी तालाब बिक चुके हैं। यहाँ भूमाफिया विभाग कब्जा कर रहे हैं, किसी कोई बोलने वाला नहीं। नशाखोरी पर्याप्त मात्रा में रीवा में सप्लाई हो रही है। रीवा में प्रति क्राइम के रूप में आए दिन कम से कम 4-6 गोलियां चल रही हैं। अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने विकास कहाँ किया है? तो बार लगातार 20 साल से आपके कुशासन, मैं विकास को इनका कुशासन की बात करता हूँ कि आपके कुशासन का ही जवाब है। फ्लाईओवर स्कैम हो, ऑक्सीजन की कमी के समय में उत्पादन का मामला रहा हो, ये सभी मुद्दों को जनता ने अपने दिमाग में बैठा दिया था और जवाब दिया। क्या लगता है कि इस तरह से भाजपा को हार मिली है तो कांग्रेस को भी सतर्क रहने की जरूरत है? जनता ने संदेश दिया है। निश्चित तौर से कांग्रेस को सबक लेनी चाहिए और पॉलिटिकल पर विश्वास करना चाहिए, फील्ड में आके काम करना चाहिए। तो जनता ने जनादेश दिया है कांग्रेस को, उस विषय में काम करना चाहिए। 20 साल से लगातार एक बात चल रही है, विकास पुरुष अपने नाम पर महिमा मंडन कराने का जो प्लान है, जो लोगों को बदनाम करने का प्लान है, वो कुछ लोग रीवा में कर रहे हैं। विकास कहने से नहीं होता, विकास करने से होता, वृद्ध बनाने से विकास नहीं होता। आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज को देखिए, सड़न पूर्व तोड़े जाने का प्लान है। रीवा में आज 70 साल से एक ही कॉलेज है। विकास यदि है तो बताइए ना, विकास हर मोहल्ले में चले जाइए, रोडों की स्थिति देख लीजिए, रोडों में अवैध कब्जों को देखिए। यही कारण है कि आज पार्षदों को खरीदना पड़ो, वो कुछ लोग रीवा में कर रहे हैं। विकास कहने से नहीं होता, विकास करने से होता, वृद्ध बनाने से विकास नहीं होता। आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज को देखिए, सड़न पूर्व तोड़े जाने का प्लान है। रीवा में आज 70 साल से एक ही कॉलेज है। विकास यदि है तो बताइए ना, विकास हर मोहल्ले में चले जाइए, रोडों की स्थिति देख लीजिए, रोडों में अवैध कब्जों को देखिए। यही कारण है कि आज पार्षदों को खरीदना फरोख्त करना पड़ रहा है, पार्षदों को बाहर भेजना पड़ रहा है, जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ रही है। क्या लगता है किस तरह से साजिश है और किस तरह से ये हमारी जनता को वोटों को अधिकार जो मिला उसका दुरुपयोग है? देखिए, लोकतंत्र की हत्या है। सीधे सीधे हम ये मानते हैं कि यदि पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधाराओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उस विचारधारा में आपको चलना होगा। पर लक्षित हो रहा कि आपकी कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा नहीं। जिस प्रकार जनता ने जनादेश देके निर्दलीय व्यक्तियों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो बहिष्कार किया, यानी उनको वोट ही नहीं दिया, उसके बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी इतने मत से होके आ रहे हैं, जनादेश प्राप्त कर, और वो बीजेपी या कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो निश्चित तौर से जनता का पान। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को खुलेआम इनका बहिष्कार करना चाहिए। और जो वर्तमान में होटलों में, बड़े बड़े होटलों में डिनर कर रहे हैं,
गुड मॉर्निंग वहाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या है, शुचिता की हत्या, लोकतंत्र की शुचिता रही नहीं गई। और निश्चित तौर से इस प्रकार जनादेश अर्जित करना, इस प्रकार अध्यक्ष और पदाधिकारी बनाना, इससे अच्छा है कि लोकतंत्र में हम चुनाव न लड़ें। और ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो लोग इस प्रकार की मानसिकता की विचारधारा के लोग खबर पर उतर रहे हैं। जो हम लोगों ने स्कैंडल उठाए, मामले उठाए, जनता की आवाज़ उठाती रहे, जनता ने सुनी, क्या लगता है कि उसका असर विधानसभा चुनाव आने वाले में क्या होगा? देखिए, ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, जुगाड़ की राजनीति है, महिमा मंडन की राजनीति है, और लोगों को छोटी स्तर की, जो लोग कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, छोटी स्तर की राजनीति कर रहे हैं, किसी को अपने ही दल के लोगों को हराने की षड्यंत्र कर रहे हैं, अपने ही दल के लोगों को कूट रचना कर रहे हैं। विकास मुखी वो व्यक्ति, जब आदमी एक हमारे पास छोटी सी पंक्ति है, कब तक छिपे रहोगे पत्ते के आड़ में, कब तक छिपे रहोगे विकास के आड़ में, एक दिन बिकोगे सरे बाजार में। अब वो समय आ चुका है जब लोकतंत्र के रूप में जनता मैसेज दी है। अब ये संकेत वर्तमान महापौर के परिणाम, चुनाव परिणाम से आपको मिला है और जनता देख रही है, जनता ने एक जनादेश दिया है। और निश्चित तौर से आने वाले विधानसभा में दूरगामी परिणाम दिखेंगे, जनता इनको संदेश देगी किस प्रकार लोग कूट रचना योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा भी जो वर्तमान में रीवा नगर निगम के चुनाव हुए, भाजपा को हार मिली, क्या मुख्य कारण मानते हैं कि कौन सी ऐसी बातें थी जो जनता के दिल तक पहुंची और उनको ये शिकस्त से देखनी पड़ी? विकास का जो उल्टी गंगा इन्होंने बहा दी, मनमाने ढंग से, बेढंगे तरीके से, कोई योजना नहीं है, जो दिख मन में आया वो करने लगे। उनके दिमाग में आया कि फ्लाईओवर बनाना है तो दो दो फ्लाईओवर बना डाले बिना योजना के, सड़कें ख़त्म हो गई नीचे की। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सीवर लाइन का पूरा रीवा में पूरा शहर खोद डाला, ये तो गनीमत है कि पानी नहीं गिरा, नहीं तो पूरे शहर की स्थिति क्या होती तो सोचा नहीं जा सकता है। तो ये फिर भी इनकी हार हुई तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे वहाँ उन्होंने बी एन नदी के पास वो झूला घर बनाया था, वो भी गिर गया। बहुत एक एक यदि पुराना भी यदि याद करें तो कई घटनाएं हैं, बुंडाहा वाली है, कई चीज़ें हैं, तो लोगों के दिमाग में सब बैठी थी। तो राजनिवास वाला कांड हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये धर्म के नाम पे जो करते थे दुकानदारी, तो वो भी एक्सपोज हुए कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि बड़ा खेल चलता था सब। और इन्होंने सौंदरिया वाला तो मालूम ही है कि पूरे शहर की कोई जगह नहीं बची है जो उन्होंने बेची नहीं हो। लोगों को लगता है कि रीवा का जो भविष्य होगा, क्या पूंजीपतियों के हाथ में होगा, सरकार की कोई चीज़ बची ही नहीं है, तो ये मजाक बना दिया उन्होंने। तो सारा कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि ये रीवा को बेच रहे हैं, शहर को बेच रहे हैं, तो गुस्सा तो होगा दिमाग जी। रिंग रोड का है पूरा, उसका भी है आरोप है कि तमाम जहाँ जहाँ रिंग रोड गई है तो पूरे शहर में इनकी ज़मीनें हैं, इनके सहयोगियों की ज़मीनें हैं, तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि जहां से सड़क निकल जाती है तो ज़मीन की कीमत 50 गुना बढ़ जाती है, तो इससे तो बहुत बड़ा फर्क हुआ है। तो लोगों के है कि पूरी तरह से ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। अक्सर इन मुद्दों को मेरे द्वारा उठाया जाता रहा है, क्या लगता है कि जनता को उन्हें जगाने में कुछ सफलता प्राप्त की, जनता को जी जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं इनको अक्सर मेरे द्वारा दिखाया गया है नहीं, आपके चैनल ने तो इसको बराबर हर मुद्दे को छुआ है। विराट 24 ने ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा जिसको आपने नहीं दिखाया है। और जो लोग जीते हैं तो इस गरूर में ना रहें, जो अभी जीत गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हों और बीजेपी के हों या निर्जली जीते हैं बाकी 11 लोग, अभी से देखने में मिल रहा है कि वो अपनी पहचान, जनता ने तो आपको स्वतंत्र रूप से जिताया है, तो वो भी दाएं बाएं हो रहे हैं सर। तो इस गरूर में ना रहें, जो अभी जीत गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हों और बीजेपी के हों या निर्जली जीते हैं बाकी 11 लोग, अभी से देखने में मिल रहा है कि वो अपनी पहचान, जनता ने तो आपको स्वतंत्र रूप से जिताया है, तो वो भी दाएं बाएं हो रहे हैं, सदस्यता भी ले रहे हैं। समर्थन आप दे सकते हैं, ठीक है, मेयरिंग काउंसिल चलाना है तो आप, लेकिन आपने, आपको तो पार्टी के रूप में नहीं लोगों ने जिताया है, तो वो भी मुश्किल होगा आपको 5 साल महापौर चलाना जी, कितना मुश्किल होगा कांग्रेस महापौर पद का चलाना? नहीं, अब देखिए, महापौर चलाना पद से इनके लिए मुश्किल होगा, और क्योंकि भाजपा तो जहाँ पूरी तरह बहुमत होता तो वो सरकारें गिराती है,
तो ये तो महापौर भरना है, बाकी तो बहुमत मेयर इन काउंसिल में इन्होंने बना लिया है, जिस ढंग से अभी सुना है कि इनके कुल मिला के 24 हो गए हैं और बाकी 21 लोग कांग्रेस के बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग तो उठा पटक पूरे देश में कर रहे हैं, तो ये अभी केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी मेयर इन काउंसिल में भी बहुमत अध्यक्ष बना लेंगे, विपक्ष नेता बना लेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके कांटे का ताज होगा, महापौर जो बने हैं उनको किस ढंग से चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे ये तो देखना है, क्योंकि जितने गंदे खेल हो रहे हैं राजनीति में वो सब देख रहे हैं हम लोग सामने, पूरे देश में हो रहा था, यहाँ भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत पारंगत है। उनको ये तो महाभारत का जो ये अध्याय है पूरा कंठस्थ है, इनको कहाँ किसको मारना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं पूजा।